लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना की अध्यक्षता में नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह आवंटन के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बताया गया कि 18 अप्रैल से प्रारंभ हुई नाम निर्देशन की प्रक्रिया में आज 29 अप्रैल को नाम वापसी का अंतिम दिन था, जिसमें एक निर्दलीय अभ्यर्थी दिनेश मैदा द्वारा अपना नामांकन वापस लिया गया, जिसके उपरांत समस्त अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया। उम्मीद है कि 18 तारीख से हमारी नोटिफिकेशन हो गया था, चौथे चरण में 14 में इलेक्शन संपन्न होने वाले हैं। 18 से 25 तक नाम निर्देशन प्राप्त किए गए थे, 26 को समीक्षा की गई थी। आज दिनांक 29 को नाम निर्देशन वापसी की दिनांक थी, जो कि 11 से 3 बजे के मध्य जो भी नाम नॉमिनेशन विड्रॉ करने थे, उस संबंध में यदि कोई अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन देना चाहता था तो वो देने हेतु स्वतंत्र था। तो उसी विषय में आप लोगों को एक ब्रीफ देने के लिए बुलाया गया है। आज 11 से 3 के मध्य एक नाम निर्देशन पत्र है जो कि वापस हुआ है। संबंधित का नाम है दिनेश मायदा, जो कि निर्दलीय खड़े हुए थे। अब जब वो हट जाते हैं तो कुल 12 कैंडिडेट फाइनली बचते हैं, जिसके लिए 7A की फॉर्म अभी तैयार किया जा रहा है। शाम को 6 बजे समस्त अभ्यर्थी व उनके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ एक ओरिएंटेशन भी प्लान किया गया है, जिसमें उनको समस्त आयोग के जो निर्देश हैं, व्यय से संबंधित, आदर्श आचार संहिता से संबंधित और विभिन्न अन्य बिंदु, उसके विषय में उनको ओरिएंटेशन दी जाएगी। तो इस प्रकार से आज एक नाम निर्देशन वापस हुआ है और 12 कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं।